नमस्कार, मैं दीदी फौजदार। आप देख रहे हैं हमारे साथ हमारा सेगमेंट सेहतनामा। आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में। सर्दियां जाने का नाम नहीं ले रही हैं और ठंडी हवा और गिरता तापमान हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ा रहा है। ठंड में नसें सिकुड़ जाती हैं जिससे दिल की बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में हार्ट अटैक या स्ट्रोक का खतरा पैदा हो जाता है। जानिए कैसे रखें सर्दी में अपने दिल का ख्याल। सर्दियों का मौसम ना सिर्फ सेहत के लिए खतरनाक है बल्कि दिल का भी दुश्मन है। ठंड में शारीरिक गतिविधियां कम होती हैं जिनके कारण ब्लड प्रेशर और शुगर बढ़ने लगता है। ठंड में शरीर को नस सिकुड़ जाने लगती हैं जिससे खून की सप्लाई ठीक तरीके से नहीं हो पाती है। ऐसे में हार्ट को खून से पंप करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यही वजह है कि ठंड में हार्ट स्ट्रोक और सबसे ज़्यादा मामले नज़र आते हैं। वहीं ठंड में फिजिकल एक्टिविटी कम होने की वजह से ऑयल खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने लगती है जिससे हार्ट अटैक या खतरा और आदि पैदा होने लगते हैं। अगर ठंड में खुद को फिट रखना चाहते हैं और हार्ट को हेल्दी रखना चाहते हैं तो एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करिए। चलिए जानते हैं कि सर्दियों में ऐसे क्या करना चाहिए जिससे हमारी बॉडी हेल्दी रहे और हमारा दिल भी बहुत अच्छे तरीके से रहे। आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमें कोई फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, जिससे ब्लड प्रेशर भी कम होगा। गर्म पानी पीकर भी आप सर्दियों में काफ़ी हेल्दी रह सकते हैं। और सर्दी लगने से शरीर के लिए कपड़े भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना चाहिए खुद को, जिससे आपका ज़्यादा सर्दी में बचाव हो। हेल्दी डाइट भी इस चीज़ में शामिल कीजिए जिससे आपको ठंड कम लगेगी तो आपकी बॉडी को ज़्यादा फायदा होगा। हेल्दी सब्जियां भी जिससे आपको प्रोटीन मिलता रहेगा। गुनगुना पानी भी पीजिए जिससे आपके शरीर में काफ़ी गर्माई बनी रहेगी। ऐसी और हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल द नगरी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।